जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्म में। आज मैं आपको सिंह राशि वालों का राशिफल बताऊंगी। आपका स्वास्थ्य, धन संपत्ति, आपका परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है उसके बारे आज हम बताएंगे। तो सिंह राशि वालों, आज आपका दिन थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, यानी अप एंड डाउन से भरा रहेगा। बहुत अच्छा भी नहीं होगा, बहुत बुरा भी नहीं होगा, मीडियम आप कह सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कह सकती हूँ कि हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़े में फंस जाएं, इससे आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाए या आपको थोड़ा तनाव हो जाए, थोड़ी चिंता हो जाए। किसी की आलोचना करने से भी बचना है, और जहाँ आपकी आलोचना हो रही हो वहाँ पे भी आपको नहीं रहना है। धन के मामले बताऊंगी कि धन संपत्ति आपके पास बनी रहेगी, पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, धन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धन आपके पास बना रहेगा। और पैसा, धन संपदा से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है। परिवार के मामले में बोलूँगी कि किसी से बहस हो सकती है, कोई ऐसा रिश्तेदार आपके घर में आ सकता है जिससे आपकी बनती ना हो, या परिवार के किसी लोगों से आपका मतभेद हो सकता है, किसी छोटी छोटी बात पे झगड़ा या तनाव हो सकता है, इससे आपको बचना है। प्रेम के मामले में कहूँगी कि आपके प्रेमी की या तो सेहत ठीक नहीं रहेगी आज के दिन, जिससे आप उदास हो सकते हैं, या अगर आप अपने प्रेमी से मिलना चाहते हैं तो वो आपसे मिल ना पाए तो भी आपका मन खराब होगा, इससे आपको दिक्कत आएगी। व्यवसाय के मामले में आपका काम सही है, ठीक ठाक चलेगा, मुनाफा होगा, पैसा आएगा जाएगा, आपका काम होता रहेगा, कोई डील करना चाहें तो कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपकी थोड़ी सी धाम धड़क हो सकती है, यानी कि किसी बात पे बहस या तनाव हो सकता है, उसको भी आपको देखना है। अदर्स में आपका टाइम अच्छा है, मैंने हमेशा से कहा बी पॉजिटिव, अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव लेके चलते हैं फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये तो रहा आपका सिंह राशि वालों का राशिफल। क्या कर सकते हैं आपको करना यह है कि सूर्य उपासना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्रों का जाप कीजिए, सूर्य और बृहस्पति के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ओम शुम शुक्राये नमः, इससे आपको फायदा होता है और आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों इसे आप कीजिएगा। आपका शुभ अंग जो है वो 3 रहेगा और शुभ रंग जो है केसर या पीला रहेगा। पीले और केसर रंग के कपड़े जो होते हैं, पैंट शर्ट हो गई, लड़कियां जैसे स्वेटर्स होते हैं आजकल तो ठंडे विंटर से स्वेटर पहन सकते हैं, इस सबको लाभ होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू सो मच।